पॉलिटिकल किस्से, यूपी का वो सीएम जो सिर्फ एक दिन के लिए ही बैठा गद्दी पर, कहानी जगदम्बिका पाल की। उत्तर प्रदेश में 2022 में 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में अतीत का एक ऐसा किस्सा भी जुड़ा है जब तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह एक जनसभा कर रहे थे और उनकी सरकार गिर गई। हुआ ये था कि लोकतांत्रिक कांग्रेस के नेता जगदम्बिका पाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन बैठे थे, लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ एक दिन का रहा। 21 फरवरी 1998 को यूपी में तब नया इतिहास लिखा गया जब मायावती जनता दल, किसान कामगार पार्टी, लोकतांत्रिक कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों के नेताओं के साथ राजभवन पहुंची। उन्होंने राज्यपाल रमेश भंडारी से कहा कि हम कल्याण सिंह सरकार के परिवहन मंत्री जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री के रूप में अपना समर्थन देते हैं। कुर्सी पर खतरा भांप कल्याण सिंह राजभवन पहुंचे और बहुमत साबित करने का मौका मांगा, लेकिन 21 फरवरी की रात ही कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और जगदम्बिका पाल को नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया। नरेश अग्रवाल उप मुख्यमंत्री बने। अगले दिन अटल बिहारी वाजपेयी राज्यपाल रमेश भंडारी के खिलाफ स्टेट गेस्ट हाउस में आमरण अनशन पर बैठ गए। इसी दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए कल्याण सिंह की सरकार को दोबारा बहाल कर दिया। जगदम्बिका पाल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। 24 फरवरी को फैसला आया, 48 घंटे के अंदर कंपोजिट फ्लोर टेस्ट कराया जाए और नतीजे आने तक कल्याण सिंह और जगदम्बिका पाल दोनों के साथ मुख्यमंत्री के तरह व्यवहार हो। हालांकि दोनों को नीतिगत फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं था। 26 फरवरी को दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने अपना अपना विश्वास मत पेश किया। कल्याण को 225 वोट और जगदम्बिका पाल को 196 वोट मिले। कल्याण सिंह फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए।